अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आजकल का आपको सीन पता है, अभी बस यही चल रहा है कि क्या पेपर टफ आएगा, क्या पेपर चेंज हुआ है या वगैरह वगैरह जो भी। तो मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बता दिया है सब कुछ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके बता रहे हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, जो आपके सिलेबस में मैंशन है कि वो हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हॉट्स, तो उसका मतलब क्या है, हमें ये समझाओ ये कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरी वो वीडियोज़ देखोगे जब मैंने आपको ये बताया था कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कब से मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर से, मतलब 1 अक्टूबर से मैंने आपको ये बताया था कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, राइट। और ये भी मैं बताता आ रहा हूँ कि जो भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करो, मतलब अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने आपको ये बताया था आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपको 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाए वो भी आप आंसर कर पाओ, कोई भी सवाल पूछा जाए वो आप आंसर कर पाओ, अगर आपको 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस भी पूछा जाए वो आपको क्लिक होना चाहिए कि नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद बता देना कि मतलब क्या ही डिफरेंस है। देखो आज तक भी जो बच्चे हैं जिनको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए, मतलब जो गोटाफिकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, जिनको मार्क्स रियली चाहिए, जिनको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो ना कि मार्क्स के लिए। देखो अब किसी इंसान को नॉलेज के लिए पढ़ना है तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर गो थ्रू करेगा, मतलब जो भी चैप्टर में कंसेप्ट है वो पढ़ेगा। अगर आपकी नीट की बात करें वहां पे आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है तो उसी चैप्टर में ही तो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है यू विल बी एबल टू आंसर दैट, राइट। अगर आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम 12th के फिजिक्स का बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं आपको ये हॉट्स का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन देखो आप फिजिक्स में, अगर हम बताएं मैंने बाकी का भी रखा है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो अगर हम देखें चार्जेड पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड व्हाई। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट, राइट। अब कोई ऐसा बच्चा हो जो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के गया, गेस्ट पेपर पढ़ के गया, या आज तक भी होता आ रहा है और इसके बाद भी हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा गेस्ट पेपर ही पढ़ के गया, वहाँ पे वो कुछ और ही देख रहा है तो खत्म, उसी के साथ वो खत्म हो जाता है, फिर बताते हैं पेपर टफ आया था, वो आया था, ये आया था। तो अगर आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर है, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि चैप्टर अच्छे से पढ़ो, अपना सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करो, एंड जनवरी तक ट्राई करो अपने बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करने की, ताकि आपको फेब में फिर अच्छा खासा 1 महीना मिले रिवीजन करने के लिए। आप यहाँ पे भी ये सवाल देखो, ये चार्जेड पार्टिकल और इसका पाथ क्या होगा, और ये भी पूछा है क्यों होगा, अगर कुछ पाथ आप दे रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, तो क्यों होगा। देखो पहली बात, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आप क्या लिखोगे, इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। अब आपको रीजन लिखना होगा क्यों, बिकॉज ये जो पार्टिकल है इट विल एक्सपीरियंस लॉरेंट्स फोर्स, बड़ा होगा लॉरेंट्स फोर्स, तो ये लॉरेंट्स फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो लॉरेंट्स फोर्स ये परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के और मैग्नेटिक फील्ड के भी, तो उस चीज की वजह से ये मोशन में कोई चेंज तो नहीं लाएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है जिसमें ये मूव कर रहा था तो उस चीज में ये चेंज लाएगा, और किस वे में चेंज लाएगा, वो आपका सर्कुलर पाथ हो गया। तो उसके बाद आप वही लिखोगे लॉरेंट्स फोर्स का जो इक्वेशन है, F=qvb sin θ समथिंग ऐसा कुछ है ना, तो ये सब आप लिखोगे वहां पे, मतलब शालदिली लिखनी है। जैसे ही आपने थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आया कि ये पूछ तो पूछ क्या रहा है, उसके बाद मतलब हेडिंग आपने अच्छे से लिखी, सब कुछ मतलब आपने एक पैराग्राफ अच्छे से लिखा, उसके बाद जो आपके दिमाग में आए इसी सवाल के रिगार्डिंग लिख दो, बस वही चीज इनको देखना है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो यही मैं फिर से बताऊंगा कि अपना चैप्टर जो है, जो भी आप पढ़ रहे हो सिलेबस के अंडर, तो वो अच्छे से क्लियर करके जाओ, एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। सब कुछ सिलेबस के ही अंदर होगा, जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ही सब कुछ आएगा, ठीक है। बस इतना करना है कि अच्छे से चैप्टर पढ़ के जाना है, दैट्स इट, एंड वो तो कॉमन सेंस है, ऑब्वियसली कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको अच्छे से ही पढ़ना है, तभी जाके वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे यू गाइस विल शाइन, और आराम से आप सारे पेपर्स अच्छे से कर पाओगे। तो बस यही कहूंगा, नथिंग इज हार्ड अगर आप अच्छे से मेहनत करो, अभी से लग जाओ मेहनत करो, जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि लग जाओ आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में, ठीक है। फिर एंड में ये नहीं बताना टाइम कम है वो ये, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी बस मैंने कब का बताया, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दो। सो बाकी ये कहना था मुझे इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी भी नेक्स्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।